आप बताइए। सर, मेरी बहन को किडनैप किया गया है। राइटर पीछे बैठा है, कंप्लेन लिखवाइए। आप एक बार मेरे साथ आइए, मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। बोला ना जाकर पहले कंप्लेन लिखवाओ। सर, कंप्लेन लिखवानी है। डिटेल्स बोलो। मेरा नाम अवि है, मैं अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग मॉल में था, तब कुछ अनजान गुंडों ने आकर मेरी बहन को किडनैप कर लिया। कौन सी गाड़ी थी? व्हाइट फॉर्च्यूनर सर। गाड़ी का नंबर देखा था? हाँ सर, KA05M5656। क्या फिर से बोलना? KA05M5656। कहाँ से हुई थी? सिग्मा मॉल। ओ, वो इलाका तो हमारे एरिया में नहीं आता। एरिया में नहीं हुआ तो क्या हुआ सर? FIR लिखकर एक्शन तो ले सकते हैं ना आप? हमें ड्यूटी कैसे करनी है हमें पता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए लिमिट इम्पोर्टेंट है, तुम भी अपने लिमिट में रहो। तू जिसके बारे में कंप्लेन करने आया है पता है कौन है? वो कोई भी हो, क्या ज्यादा मत बोल, जगह खाली करे यहाँ से। सर, मेरी बहन को किडनैप कर लिया गया है। वो एक व्हाइट फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, नंबर था KA05M5656। वो लोग गुंडे जैसे लग रहे थे, कुछ होने से पहले मेरी बहन को बचा लीजिए प्लीज। तूने देखा क्या, उसका किडनैप हुआ या फिर वो खुद ही कार में बैठ के गई? शायद तेरी बहन किसी को पसंद करती होगी, उसके साथ भाग गई होगी। देख, ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वसंत नगर पुलिस स्टेशन गया तो कहने लगे हमारा एरिया नहीं है, यहाँ आया तो आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। बता दीजिए आपसे होगा या नहीं, या फिर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाऊं? ए, पुलिस स्टेशन में इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? बोल, तेरा मैटर क्या है? सर, मेरा नाम अभिषेक है, मेरी बहन के किडनैपिंग की कंप्लेन करने आया तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। चुप हो जा रे। ए अनिल, जरा उसे बोलने तो दे। अच्छा चल बता, किडनैप कैसे हुआ, कहां पर हुआ, सारी डिटेल्स दे। अनिल सर, उस कार की सारी डिटेल्स निकाल के मुझे दो। सर, वो होम मिनिस्टर के बेटे अर्जुन की कार है। ये भी बढ़िया है, आप जैसे लोग कंप्लेन कर देते हैं और हम जैसे लोग सिंघम स्टाइल में फील्ड में ड्यूटी करते हैं, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं ना, ये कानून को नहीं मानते। बड़ी आसानी से वो लोग कह देते हैं कि कैसे भी करके इस कंप्लेन को वापस ले लो, और होता क्या है, हमारा टाइम, गवर्नमेंट का पेन पेपर सब वेस्ट हो जाता है। तुम कंप्लेन कर रहे हो लेकिन उसे फेस करने की ताकत है तुम्हारे अंदर, बोलो है क्या? अगर है तो मुझ पर भरोसा करो। वो होम मिनिस्टर का बेटा हो चाहे CM का बेटा हो, मेरे लिए मेरी बहन इंपॉर्टेंट। तू रेडी है ना? मैं इसके लिए रेडी हूँ सर। Excuse me, अर्जुन कहाँ पर है? सर, वो अंदर मीटिंग में है। सर, अंदर मीटिंग चल रही है, आपको बाहर रुकना पड़ेगा। देख मेरे भाई, पुलिस की वर्दी होती है ना, ये कानून के लिए है, क्रिमिनल्स के लिए नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज, मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, बस इनसे बात करनी है। 5 मिनट के लिए आप लोग बाहर जाइए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स गोइंग ऑन, अगर मुझसे बात करनी है तो रिसेप्शन में जाके वेट कीजिए। तो पुलिस वाले से बात कर रहा है, टोकन लेकर रिसेप्शन में बैठकर ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करवाने के लिए नहीं आया हूँ, तेरे साथ इंक्वायरी करने आया हूँ। एंड द रीजन इज KA05M565 फॉर्च्यूनर, ये कार तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है ना? तो क्या हो गया? और उसी कार में इनकी बहन का किडनैप हुआ, ऐसा कंप्लेंट की है इन्होंने। किडनैप? कॉल आदि। नॉट रीचेबल सर। वो कार मेरा भाई आदि यूज करता है, उससे बात होते ही आपको कॉल करता हूँ, यू कैन लीव नाउ। तेरा ऑर्डर तेरे लोगों को दे, समझा? और चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, तेरा भाई आएगा तब बात करेंगे। दिमाग तो ठिकाने है ना, मेरे पास जो पावर है ना, सिर्फ मुझे नहीं, वहाँ जो खड़ा है ना सिक्योरिटी वाला, उसे भी लेके नहीं जा सकते हो तुम। एक पुलिस वाले को चैलेंज कर रहा है तू? अगर मेरी ठन गई ना तो तेरे भाई के साथ तुझे भी अंदर घसीट कर ले जाऊंगा। हाउ डेयर यू, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, खाकी पर नहीं एक शेर पे हाथ डाला है। चल ऑफिसर। सर, तुम जानते नहीं हो कि मेरा बाप कौन है। चाहे तू किसी का भी बेटा हो, कानून के लिए सब बराबर है।
सर नमस्ते सर। सर मैं हूं सर महेश। प्लीज आइए सर बैठिए। आप कैसे हैं सर? सब हमारे ही लोग हैं सर, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बैठिए ना सर, बैठिए। पर ये सब क्या है? अतिथि देवो भव सर। जो भी मेहमान हमारे पास आते हैं उनका ऐसे ही स्वागत करते हैं सर। यहां आने वाला कोई भी खाली पेट या खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारे बॉस का ऑर्डर है सर। पहले मुझे यहां पर क्यों बुलाया हो ये बताओ। सर सुना है कि शहर में केस के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ये बात हमें आपके डिपार्टमेंट वाले ने ही बताई है। बिना हमारे जानकारी के यहाँ कुछ नहीं हो सकता है सर। सर हमारे यहाँ के प्रेस्टीज विला में आपके नाम से एक विला बुक किया है सर, और मकड़ी रोड के बाजू में 100 एकड़ की जमीन है, और साथ में इम्पोर्टेड बेंज कार सर, 2019 का मॉडल है सर। और खर्चा पानी के लिए ये सारे पैसे सर, ये सब मिलाकर पूरे 10 करोड़ के आसपास होता है। ये सब आपका हो सकता है सर। आप जिस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें कलेक्ट किए हुए एविडेंस और प्रूफ्स बस हमें सौंपना होगा सर। मेरे पापा मधुकर देशपांडे, रिटायर्ड स्कूल हेडमास्टर, हर महीने 25,000 उन्हें पेंशन मिलती है। मेरी बीवी एक बैंक एम्प्लॉय है, 60,000 रुपए उसकी सैलरी है। मैं सरकार के लिए काम करता हूं और मुझे 1,00,000 रुपए हर महीने सैलरी मिलती है। जिंदगी खुशी से गुजारने के लिए इतने पैसे काफी होते हैं। इन सारे प्रूफ और एविडेंस को मुझे जहां पर पहुंचाना है मैं वहां पर पहुंचाकर ही रहूंगा। सर एक मिनट सर। सर कहिए सर। वो मान गया क्या? नहीं सर माना नहीं, मैंने सब कुछ दिखाया फिर भी नहीं मान रहा सर। ठीक है एक चांस देकर देखो। ठीक है सर बोल के देखता हूँ। सर हमारे बॉस आपको एक चांस और देना चाहते हैं सर। किसी की जान लेना आसान है पर उसका जमीर खरीदना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारी इन सब चीजों को पाने के लालच में मैं खुद को बेचने वाला नहीं हूं। ड्यूटी में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है सर, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ता है। एक आईएएस ऑफिसर के सामने ऊंची आवाज से बात करना गलत होता है, और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। एक बात याद रखना, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हम यहाँ होम मिनिस्टर दुर्गा प्रसाद के घर के पास खड़े हैं। मंत्री जी कुछ ही देर बाद यहाँ आकर हमसे बात करेंगे। मुझे पार्टी ज्वाइन किए हुए 3 साल हो चुके हैं। आप मुझे अपना गॉडफादर समझते हैं, मुझे होम मिनिस्टर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपनी प्यारी जनता को और अपने सभी मीडिया के लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर आप अगले चुनाव में सीएम के उम्मीदवार होंगे ऐसा हमने सुना है सर। नहीं, पार्टी के लिए इंसान मुख्य नहीं होता है, पार्टी के मुख्य लोग इसका फैसला करेंगे। मैंने आप लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है, अपने पार्टी के नए स्टेट यूथ प्रेसिडेंट से आप सबको मिलाना चाहता। कौन है सर? आपका बेटा अर्जुन है क्या? नो, मेरा दूसरा बेटा आदित्य। नमस्ते सर, कुछ भी करके मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। हमारे डिपार्टमेंट ने इस केस को बहुत ही सीरियसली लिया है। सुबह शाम हमारे डिपार्टमेंट के लोग आपके बेटे को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। पेशेंस, इस मिसिंग केस में चाहे किसी का भी हाथ हो उसे हमारे डिपार्टमेंट के लोग आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आपको धैर्य रखना होगा। सर मैं अपने आप को तो हौसला दिला सकता हूँ, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे को मैं कैसे हौसला दिलाऊं? सर बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपके बेटे के पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? नहीं सर, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके चरित्र पर शक मत कीजिए सर। मेरा मतलब वो नहीं था। आप लोग ऐसे रोते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रोने की जगह अगर आप लोग इस केस में हमारा साथ दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बताइए सर आखिर हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? सुनिए, अगर ऑफिस से संबंधित कुछ पेपर्स या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आपके घर में मिले
तो आप लोग उसे हमें दे दीजिएगा। मेरा बेटा अपनी पूरी सर्विस के दौरान ऑफिस की कोई भी फाइल कभी भी घर नहीं लाया। वो जो जो यूज करता था, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या उसकी कोई पर्सनल चीज आपको घर में मिले तो उसे लाकर आप मुझे दीजिएगा, उससे आगे जांच करने में मदद मिलेगी। सर मीटिंग का टाइम हो गया है सर। ओके सुनिए, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, आपसे अगले हफ्ता मिलूंगा। तब तक पेन ड्राइव, लैपटॉप, जो भी आपको मिले उसे आप हमारे हवाले कर दीजिएगा। नमस्ते सर। सर आप जितने बेताब मेरे बेटे के लैपटॉप को हासिल करने के लिए हो रहे हैं, उतना ही इंटरेस्ट अगर उसे ढूंढने में लगाएं तो शायद वो मिल जाए। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि IAS ऑफिसर शुभकर देशपांडे लापता हो गए हैं। इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे प्रतिनिधि महेश। शुभकर देशपांडे, कुछ दिन पहले अनुमान लगाया जा रहा है कि वो गायब हो गए हैं। इस बात को लेकर पुलिस कमिश्नर पूरे शहर में पूछताछ कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में IAS ऑफिसर की लापता होने की ये तीसरी खबर है और ये चिंता का विषय है। उनके लापता होने के पीछे आखिर किसका हाथ है? इसमें पॉलिटिशियंस या इंडस्ट्रियलिस्ट, किसी का भी हाथ हो सकता है, ऐसा सवाल जनता के बीच में उठ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुलिस वाले हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सुनिए, कहीं इसके ऑफिस में तो कुछ ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हमारा बेटा है, उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? बेचारी की हालत तो देखो, हमें उसे समझाने की जरूरत है, उसे समझना चाहिए। जो भी मुंह में आए बक देती हो। सुमित्रा, ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले को पल पल पर दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। मेरी बात सुनिए, बेटे को ढूंढने के लिए हमने पूरा शहर छान मारा, एक भी इंसान क्या मदद के लिए आगे आया? किसी ने कोई मदद की? नहीं ना। सत्य की हमेशा जीत होती है ऐसा कहा गया है ना, मुसीबत में रहने वालों की जरूर कोई न कोई शक्ति आकर मदद करती ही है। कौन है वो? अरे हपना, ये रास्ते में खंभे जैसा क्यों खड़ा है? हे देवी माँ भवानी, चाहे कोई कहीं से भी आए लेकिन तेरे द्वार पर सर झुकाना तो लाजमी है। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम माते, प्रणाम। हेला है ए गोगोया। आई एम नॉट गोगोया, आई एम कूली कन्हैया। वेयर इज योर आइटम यार? क्यों रे भाई, तू इंडियन है ना, तो हिंदी में बात करना भाई। हां तेरा समाज क्या कहा? सुनने में अजीब लगा क्या? डिसेंट है इसलिए कह रहा हूं, वेयर इज योर आइटम? ये है मेरी आइटम। ए पागल ढेंगा। ए भाई तू यही लेकर जा रहा, कहां चली गई? ए वाईफाई, वाईफाई। अरे बाप रे, मेरी वाईफाई कहाँ चली गई? छोड़ो मुझे, वाईफाई ढूंढूंगा भाई। वो उसका कोई सामान छोड़ गया भाई, ढूंढ रहा हूँ। ढूंढने के हाथ में ऐसे झुककर देखेगा तो मिल जाएगा क्या? लगेज कहाँ था? हाँ मैं भी दुबई बोल रहा हूँ। चल सब कुछ बहुत बदल गया है। कुली बुला लो ना सामान उठाने के लिए। हाँ अभी बुला। ये क्या आप सुबह सुबह उठकर जिम करते हैं ना, तो ये सब आपसे नहीं होगा क्या? ये तो आप अपने दोनों हाथों से उठा सकते हैं। सही कहा ना अभी? सही कहा मेरी माँ, अब चलो। अरे कहाँ है मेरी वाईफाई? मेरी वाईफाई कहाँ है वाईफाई? अरे अरे हेलो हेलो हेलो, अब वाईफाई ढूंढ रहे हो या बेच रहे हो? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ सर। क्या आपने मेरी वाईफाई को देखा है? वाईफाई को देख सकते हैं क्या? कंफ्यूज मत होइए सर, ये है मेरी वाईफाई। आप भी देखिए, ये थोड़ी सी हाईफाई है लेकिन मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार से वाईफाई बुलाता हूँ। रात में तो कनेक्शन बराबर था सर, लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी नेटवर्क जाम हो गया और डिसकनेक्ट हो गया सर। हाईफाई हाईफाई कह रहे हो तो यहाँ थ्री टियर एसी में क्या ढूंढ रहे हो? जाकर फर्स्ट क्लास एसी में ढूंढो। सही कहा सर, अचानक मेरी हाईफाई अगर आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए तो फ्री वाला एक छोटा सा जियो कॉल कर देना सर, मैं दौड़ कर उसे लेने आ जाऊंगा। आप मेरा नंबर ले लीजिए सर। 0-420-420 यही है ना तुम्हारा नंबर? तुम्हें मेरा नंबर कैसे पता है? अरे बाबा, सब लोग तुम्हारे ही नंबर के बारे में ट्रेन में बातें कर रहे थे। अरे बाबा, सर मुझे एक कॉल कर देना, मैं चलता हूँ। सुन सुन सुन, यहाँ
पहले मेरा एक सजेशन सुनकर जा। हाँ कहिए ना सर। हर एक वाईफाई का पासवर्ड बनाना हाँ। होता है, वरना वो किसी और से कनेक्ट हो जाता है। होशियार रहना। हाँ ठीक है सर। अरे सर मेरा गॉगल। अच्छा है। थैंक यू सर। गॉगल तो मिल गए लेकिन वो मुझसे कुछ कह रहे थे। अरे छोड़ो ना। अरे वाईफाई कहाँ हो तुम? अंजू घर पसंद आया तुम्हें? बहुत ब्यूटीफुल है। आपका एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अंबानी के घर में लेकर आए हैं। ए चुप कर, चल जा, जाकर बैग अनपैक करो। क्या मुझसे ये सब करवाओगी? सावधान, चाइल्ड लेबर केस में अंदर करवा दूंगी मैं। ए, आजकल ज्यादा ही बोल रही है। ओके अंजू, तुम सब सेट करो, मैं जाकर कुछ खाने को ले आता हूँ। ओके चलो ऊपर चलते। 1 2 3 एंड होल्ड। अंजू अभी बहुत हो गया। ओके इतना प्यार तो बनता ही है ना। अपना हाथ कंट्रोल में रखो। तो मेरे हाथों को बोलो ना। छोड़ो ना, मुझे काम करना है। तुम्हारे काम में मैं रुकावट कहाँ डाल रहा हूँ? तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखकर तुमसे फिर से प्रपोज करने का मन कर रहा है। तो उसके लिए हमें फिर से कॉलेज जाना होगा। बस तुम हाँ कह दो, आई डोंट माइंड। कॉलेज की बातें याद आ रही है। आएंगी आएंगी। आज सारी बातें याद आएंगी। तुम हमेशा रोमांटिक मूड में क्यों रहते हो? अंजू तुम ही तो हो मेरी इंस्पिरेशन। ओ और तुम्हारी ये मुस्कुराहट इसी तरह मेरे साथ रही तो एक दिन मैं सारी की सारी दुनिया जीत लूंगा। अभी उठो ना, अभी स्कूल जाना है, टाइम हो रहा है। सो जाओ ना, आज इंटरव्यू है। सिर्फ 5 मिनट लेट हो जाएगा कह रही हूँ ना, फिर भी नहीं उठ रहे। सुनने दो। पहले तुम उठो और तैयार हो जाओ, ये बाद में हो जाएंगे। जब देखो अपने पति को ही सपोर्ट करती रहती है, अपनी बेटी को कभी नहीं करती। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं मम्मी, आपकी और पापा की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ये कह रही हूं। डार्लिंग क्या अभी बच्ची का स्कूल में इंटरव्यू है, उसकी सर्विस एग्जाम की डिटेल्स भी लेकर जानी है। क्या? ओह आज है ना, आई फॉरगॉट। बाप और बेटी को कोई टेंशन ही नहीं है। तुम हो तो फिर कैसी टेंशन? अच्छा कैसे कैसे? कोई बात नहीं, आ जाओ। भैया मैं सारी डिटेल्स लेके आऊं क्या? अंजू तुम्हारे साथ आएगी, अकेली मत जाना। ठीक है भैया। ए इंटरव्यू अच्छे से देना। हाँ बाय मम्मी, संभल कर जाना। ज्यादा दादी में बनने की कोशिश मत कर, तू संभल कर जाना। ओके बाय बाय। अभी अभी स्कूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है ना मम्मी? इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द सिटी। मुझे वन ऑफ द बेस्ट नहीं चाहिए, मुझे बेस्ट चाहिए। अब तुम जा रही हो तो बेस्ट हो ही जाएगी ना। यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। कम कम ऑटो रुको। कहाँ जाना है सर? राजा जी नगर। नहीं सर उस तरफ नहीं जाना है। सर हा? आप कहाँ जा रहे हैं? राजा जी नगर जा रहा हूँ। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए आपको ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन आप? मैं आपका पड़ोसी हूँ। आप ही हो जो किराए पे वहाँ आए। हाँ सर आइए ना। नहीं कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चला जाऊँ। क्या दादाजी आप इनकी बाइक पे बैठने से इनकार कर रहे हैं? आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। इट्स ओके आइए सर। हाँ मैं चलता। ठीक है सर, बाय दादाजी। एडवोकेट अंदर है क्या? हाँ अंदर ही है। अभी मेरा इंटरव्यू लेने वाली टीचर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना? क्यों मेरी माँ? वो क्या है ना, 90% से ज्यादा स्कोर करना है तो सिखाने के लिए टीचर भी तो इंटेलिजेंट होनी चाहिए ना। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कैंपस में ऐसी बातें मत करो। पर एक बात समझ में नहीं आई, जब हमसे फीस लेते हैं तो इंटरव्यू क्यों लेते हैं हमारा? तुम पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाना, फिर उनका ही इंटरव्यू लेकर पूछ लेना। अभी आइसक्रीम।
मम्मी मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगा, वो खाकर तुम्हें सर्दी हो जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगी और तुम्हारी माँ मुझे डांटेगी। अभी तुम अपनी बेटी से तो प्यार करते हो पर अपनी बीवी से उससे ज्यादा डरते हो। तुम भी ना इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती हो। कौन सा फ्लेवर है भैया जी? मेरे पास ऐसा लगता है हम पहले कहीं मिले हैं। नहीं तो वाईफाई अंकल। बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है। बोलो कौन सा फ्लेवर चाहिए? बटरस्कॉच। अच्छा तुम ये आइसक्रीम का बिजनेस क्यों कर रहे हो? क्या है ना मेरी वाईफाई को घर की आइसक्रीम जमती नहीं है, और यही आइसक्रीम अगर उसे बाहर मिल जाए तो वो छोड़ती नहीं है। बस उसकी तलाश में मैंने ये ठेला खोला है। मतलब तुम्हें तुम्हारी वाईफाई नहीं मिली? अब आपसे अपनी कहानी क्या बताऊं सर, सारे काम धंधे छोड़कर मैं अपनी वाईफाई से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं सर। इस शहर की सारी पॉश कॉलोनीज मैंने ढूंढ ली पर मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी नहीं मिली। उसे पार्टी का शौक, इसलिए मैं सारे डिस्कोथेक में भी गया। वहां मुझे मेरा डॉक्टर मिल गया लेकिन वो नहीं मिली सर। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर मलिया। वो लंदन से आ गए क्या? अरे मेरे साथ क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा है सर, लेकिन मेरी वाईफाई कहीं आसपास है सर, कनेक्शन बस नहीं हो रहा है। छोड़ो जाने दो चलो। अरे कहाँ गए सर? इस बार कोई एडवाइस नहीं दी आपने? एक्चुअली देने के बारे में सोचा था, फिर सोचा तुम बुरा मान जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं सर, बोलिए ना। इतनी कोशिश करने के बाद भी अगर कनेक्शन नहीं मिला इसका मतलब तुम्हारे डिवाइस में कोई गड़बड़ है, उसे सर्विस करवा लो। ओके सर। किसी ने सुना तो नहीं? आइसक्रीम आइसक्रीम। सर क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। Are you feeling better? या I'm okay. आइए आपको हॉस्पिटल ले जाता हूं। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। आइए संभल कर। बेटा तुम अंदर जाओ, मैं अभी आया। मम्मी। सर इज एवरीथिंग फाइन विथ यू? कुछ नहीं, उम्र बढ़ रही है तो सांस लेने में परेशानी। बढ़ती उम्र के साथ ये सब होता ही है, पर आपको देखकर लगता है प्रॉब्लम कुछ और है। बताइए सर। आप ना बताना चाहे तो नो प्रॉब्लम सर, आई एम सॉरी। एक मिनट। क्या गलती की उसने? हाँ पब्लिक सर्वेंट था वो, पब्लिक के लिए जो करना चाहिए था वो ही किया, तो क्या गलत किया? मैं ऑर्डिनरी स्कूल का हेडमास्टर हूं, मैंने सैकड़ों लड़कों को पढ़ाया था, मैंने मेरे बेटे को भी अच्छे से पढ़ाया, उसे एक आईएएस ऑफिसर बनाया। उसके काम करने की वजह से हर कोई उसकी तारीफ ही तारीफ करता था, पर उसका फायदा क्या हुआ? जब देखो जब उसका ट्रांसफर पे ट्रांसफर कर दिया जाता। उसने हर डिपार्टमेंट में बहुत ही ईमानदारी से काम किया, आखिर में उसे हेल्थ डिपार्टमेंट मिला और वहां भी वो बहुत अच्छा कर रहा था। अभी उसकी शादी हुए एक साल भी नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। पिछले सोमवार को वो ये कहकर घर से निकला कि वो काम पर जा रहा है और वापस नहीं आया। उसे सब जगह ढूंढा, फोन किए, कोई फायदा नहीं हुआ। मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाए लेकिन वो लोग चुपचाप बैठ गए। मीडिया वालों ने कुछ नहीं किया क्या? वो लोग क्या करेंगे, दो दिन शोर मचाया फिर शांत बैठ गए। मीडिया वालों को दिन भर सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज के लिए न्यूज चाहिए होती है, और तो और नई फिल्म रिलीज होगी तो उसकी न्यूज डालेंगे, सब बेकार की न्यूज चलती है। लेकिन अगर कहीं कोई ऑफिसर या कोई सैनिक मर जाए ना तो उसे दिखाना भूल जाते हैं वो लोग। अभी आऊंगा कहकर निकला था, ये बेचारी तब से इंतजार कर रही है, हर आधे घंटे में उसका फोन ट्राई करती है। आईएएस ऑफिसर है मेरा बेटा, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? नथिंग। मुझे पता है कुछ नहीं हो पाएगा, द होल सिस्टम इज करप्ट हियर। यस कुछ नहीं होगा। आपके साथ कोई नहीं ऐसा मत सोचिए, ये तो अन्याय है। न्याय दिलाने में अब मैं आपकी मदद करूंगा। उम्मीद रखिए माता जी, चलिए मैं चलता हूं।
नमस्ते सर। नमस्ते सर। हेलो सर। थैंक यू। गोवा स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारा एनजीओ है उसने आपको सम्मान देने का सोचा है, आप समय निकालकर वहां आइएगा सर। देखिए, अगर आप सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, वो शुभकर के केस का क्या? ओ, वो केस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस लड़के के पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनके पुलिस स्टेशन आने जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है सर। कई लोगों की समाधि पर पैर रख कर आज इस हैसियत पर बैठा हूँ मैं। ये छोटी सी बात है, ये सोचकर हमें इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए वरना बाद में मुसीबत बन जाएगी। शुभकर के बनाए डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं तुम्हें पता है क्या? अभी तक पता नहीं चला सर, आप फिक्र मत कीजिए सर, उसके लिए मैं हूं ना, जो भी होगा मैं देख लूंगा सर। ठीक है, तुम जाओ अभी। थैंक यू सर। सर, सांप चाहे बिल में हो, घर में हो या किसी टोकरी के अंदर हो, वो काटता जरूर है। इसमें सांप कौन है? ये कमिश्नर है क्या सर? गुड, उस फाइल को अपने लोगों को भेज कर ढूंढवा। ठीक है सर। आती हूँ। जी, बंद करो। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे बाप रे, ये आपकी हालत को क्या हो गया? इतना पसीना क्यों आ रहा आपको? अरे ये क्या हालत बना रखी है, बताइए ना क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं? रुके, मैं आपको पानी देती हूँ। पहले रुकिए, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। लीजिए पानी पीजिए। हे भगवान, इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ बोलिए ना, क्या बात है? ये गाजर कैसे दी भाई? 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। क्या चाहिए? मटर भी। अभी और कितने दिनों तक मटर ही खाते रहोगे मास्टर जी? अभी सब्जियां छोड़ो, आज के बाद सिर्फ चिकन मटन खाने की आदत डालो। इस पूरे बाजार में तुम्हें कोई भी सब्जी नहीं देगा। पाठ पढ़ाने वाले टीचर हो ना, पाठ समझ में नहीं आया तो मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। घर जाने के बाद एविडेंस ढूंढ कर रखना। एविडेंस? अबे नाटकबाज, अभी तेरा दूध से अभिषेक हुआ, शाम को खून से अभिषेक करूंगा। आधे घंटे में तेरे घर आएंगे हम, सारा एविडेंस हमें चाहिए। आखिर कौन है ये लोग, क्या कहे जा रहे हैं, किस चीज का एविडेंस मांग रहे हैं? वो एविडेंस कहाँ है हमारे पास? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, वो तो इन चीजों को कभी हमारे घर लाया ही नहीं। फिर ये क्या कह रहे हैं ये लोग? चुप हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। हे भगवान, यस सर, बहुत तो खराब। आप आराम कीजिए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ, कॉफी लेकर आती हूँ। क्या हो गया बेटी? क्या हो गया बेटी? क्या हुआ? आप जाकर पानी लीजिए। बेटी क्या हुआ? आजी मुझे चक्कर आ रहा है। ठीक है। ये ले लो पानी दीजिए। ये ले पानी पी ले बेटा। आप कहीं मत जाइए, दरवाजा मत खोलिए। रुको। नहीं जी। क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? मैंने कोई आवाज सुनी। उसे चक्कर आ गया। इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? 2 दिनों से इसने कुछ खाया नहीं ना, इसीलिए कमजोर हो गई। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह पेट में पल रहे बच्चे को सजा देना गलत है। ये बच्चा तुम्हारे पति का अंश है ना, इसकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो अब उठो और जाकर खाना खा लो, इसे ले जाइए माँ जी। सर,
सर आप इतना घबरा क्यों रहे? फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, बैठिए। हेलो, वो मिसिंग आईएएस ऑफिसर का पिता देशपांडे किसी आदमी की मदद से केस को फिर से रीओपन करने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। बात क्या है? फोन को इस तरह जेब में रखकर घूम क्यों रहा है? वो क्या है कि साहब को जरूरी कॉल करना है और साहब कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। मोस्टली अवार्ड फंक्शन में होंगे। उसे तो शुरू होने में अभी टाइम है, लेकिन वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। सर कटने की नौबत है। किसका सर? साहब का। ये तू क्या कह रहा है? सच में सर, उस शुभकर का केस फिर से रीओपन हो रहा है। वो देश पांडे सबके सामने मीडिया के सामने केस को रीओपन करने की बात कर रहा है। वो खुद ही बड़ी मुश्किल से चलता है, वो क्या केस संभालेगा? उसके बारे में बस इतनी जानकारी कि उसका पड़ोसी है और उसी के दम पे ये सब कर रहा है सर वो। इतनी छोटी सी बात पे डैड को फोन मत लगा, ये केस मैं हैंडल करूंगा। I'm so hungry. अभी मुझे पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। ओके, पॉपकॉर्न देना भैया। भाई वो रहा वो आदमी, थोड़ा मसाला डाल। वो सब कौन है? वो उसकी बीवी है, वो उसकी बेटी। जा उसकी बहन को उठा कर ला। मैं से लेकर okay. जाती हूँ, तुम्हें भी यहीं रहना। आप बताइए। सर मेरी बहन को किडनैप किया गया है। राइटर पीछे बैठा है, कंप्लेन लिखवाइए। आप एक बार मेरे साथ आइए, मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। बोला ना जाकर पहले कंप्लेन लिखवाओ। सर कंप्लेन लिखवानी है। डिटेल्स बोलो। मेरा नाम अवि है, मैं अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग मॉल में था, तब कुछ अनजान गुंडों ने आकर मेरी बहन को किडनैप कर लिया। कौन सी गाड़ी थी? व्हाइट फॉर्च्यूनर सर। गाड़ी का नंबर देखा था? हाँ सर, KA05M5656। क्या फिर से बोलना? KA05M5656। कहाँ से हुई थी? सिग्मा मॉल। ओ, वो इलाका तो हमारे एरिया में नहीं आता। एरिया में नहीं हुआ तो क्या हुआ सर? FIR लिखकर एक्शन तो ले सकते हैं ना आप। हमें ड्यूटी कैसे करनी है हमें पता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए लिमिट इम्पोर्टेंट है, तुम भी अपने लिमिट में रहो। तू जिसके बारे में कंप्लेन करने आया है पता है कौन है? वो कोई भी हो, क्या ज्यादा मत बोल, जगह खाली करे यहाँ से। सर मेरी बहन को किडनैप कर लिया गया है, वो एक व्हाइट फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, नंबर था KA05M5656। वो लोग गुंडे जैसे लग रहे थे, कुछ होने से पहले मेरी बहन को बचा लीजिए प्लीज। तूने देखा क्या, उसका किडनैप हुआ या फिर वो खुद ही कार में बैठ के गई? शायद तेरी बहन किसी को पसंद करती होगी, उसके साथ भाग गई होगी। देख ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वसंत नगर पुलिस स्टेशन गया तो कहने लगे हमारा एरिया नहीं है, यहाँ आया तो आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। बता दीजिए आपसे होगा या नहीं, या फिर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाऊं? ए पुलिस स्टेशन में इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? बोल तेरा मैटर क्या है? सर मेरा नाम अभिषेक है, मेरी बहन के किडनैपिंग की कंप्लेन करने आया तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। चुप हो जा रे। ए अनिल जरा उसे बोलने तो दे। अच्छा चल बता किडनैप कैसे हुआ, कहां पर हुआ, सारी डिटेल्स दे।
सर उस कार की सारी डिटेल्स निकाल के मुझे दो। सर वो होम मिनिस्टर के बेटे अर्जुन की कार है। ये भी बढ़िया है, आप जैसे लोग कंप्लेंट कर देते हैं और हम जैसे लोग सिंघम स्टाइल में फील्ड में ड्यूटी करते हैं, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं ना ये कानून को नहीं मानते। बड़ी आसानी से वो लोग कह देते हैं कि कैसे भी करके इस कंप्लेंट को वापस ले लो, और होता क्या है हमारा टाइम, गवर्नमेंट का पेन पेपर सब वेस्ट हो जाता है। तुम कंप्लेंट कर रहे हो लेकिन उसे फेस करने की ताकत है तुम्हारे अंदर, बोलो है क्या? अगर है तो मुझ पर भरोसा करो। वो होम मिनिस्टर का बेटा हो चाहे सीएम का बेटा हो, मेरे लिए मेरी बहन इंपॉर्टेंट। तू रेडी है ना? मैं इसके लिए रेडी हूँ सर। एक्सक्यूज मी, अर्जुन कहाँ पर है? सर वो अंदर मीटिंग में है। सर सर अंदर मीटिंग चल रही है, आपको बाहर रुकना पड़ेगा। देख मेरे भाई, पुलिस की वर्दी होती है ना ये कानून के लिए है, क्रिमिनल्स के लिए नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज, मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, बस इनसे बात करनी है, पांच मिनट के लिए आप लोग बाहर जाइए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स गोइंग ऑन, अगर मुझसे बात करनी है तो रिसेप्शन में जाकर वेट कीजिए। तो पुलिस वाले से बात कर रहा है, टोकन लेकर रिसेप्शन में बैठकर ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करवाने के लिए नहीं आया हूं, तेरे साथ इंक्वायरी करने आया हूं। एंड द रीजन इज K05M565 फॉर्च्यूनर, ये कार तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है ना? तो क्या हो गया? और उसी कार में इनकी बहन का किडनैप हुआ है ऐसा कंप्लेंट की है इन्होंने। किडनैप? कॉल आदि। नॉट रीचेबल सर। वो कार मेरा भाई यादि यूज करता है, उससे बात होते ही आपको कॉल करता हूँ, यू कैन लीव नाउ। ए, तेरा ऑर्डर तेरे लोगों को दे समझा, और चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, तेरा भाई आएगा तब बात करेंगे। ए, दिमाग तो ठिकाने है ना, मेरे पास जो पावर है ना सिर्फ मुझे नहीं, वहाँ जो खड़ा है ना सिक्योरिटी वाला उसे भी लेके नहीं जा सकते हो तुम। एक पुलिस वाले को चैलेंज कर रहा है तू, अगर मेरी ठन गई ना तो तेरे भाई के साथ तुझे भी अंदर घसीट कर ले जाऊंगा। How dare you? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, खाकी पर नहीं एक शेर पे हाथ डाला है। चल ऑफिसर। सर तुम जानते नहीं हो कि मेरा बाप कौन है। चाहे तू किसी का भी बेटा हो, कानून के लिए सब बराबर है। मलेश्वर पुलिस स्टेशन के एसआई किरण कुमार, होम मिनिस्टर दुर्गा प्रसाद के बेटे को अर्जुन को इस वक्त अरेस्ट। हमें अभी अभी ये ब्रेकिंग न्यूज मिली है। एक्सक्यूज मी सर, आप जरा टीवी देख लीजिए सर। अर्जुन प्रसाद अरेस्ट हो गए हैं, उन पर क्या चार्जेस लगाए गए हैं, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर क्या है ये सर? हमें कुछ टाइम दीजिए सर, आपका बेटा बाहर आ जाएगा। बाहर आने से क्या होगा, और जो इज्जत गई है वो बाहर आने से वापस आ जाएगी क्या? सर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ सर। कैंसिल ऑल माय अपॉइंटमेंट्स इमीडिएटली, मेरे लिए बेंगलोर जाने का एक फ्लाइट टिकट बुक करो। ठीक है सर, अभी करता हूँ। Hey, कौन है यहाँ का इंचार्ज? सर क्या है ये? इतने बड़े केस को हैंडल करने से पहले अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, ये तुम्हें पता नहीं है? सर इस आदमी की कार से एक लड़की का किडनैप हुआ है सर, और जब मैं इनके पास इंक्वायरी करने के लिए गया तो इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया सर। इनकी इज्जत को तुम उछालोगे तो तुम्हें लगता है ये चुप बैठेंगे? सर से माफी मांगो और अभी के अभी इन्हें छोड़ दो। ये क्या सर, सिंसियरिटी को अप्रिशिएट करने के बजाय आप गुनहगार को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? कौन है ये? सर जिस लड़की की किडनैप की कंप्लेंट हुई है उसका भाई है। इनके बारे में तुम्हें कुछ पता भी है? अर्जुन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोप्राइटर, ही इज वन ऑफ द बिजनेस टाइकोन्स। वो तो नहीं जानता, लेकिन क्या तुम भी नहीं जानते हो? अपने डिपार्टमेंट के हेड होम मिनिस्टर दुर्गा प्रसाद का बेटा है ये। होम मिनिस्टर का बेटा है तो क्या हुआ, आप गुनहगार को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? हेलो, ये सब तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बीच में मत बोलो। किरण कुमार तुम इस तरह क्या देख रहे हो, छोड़ दो इन्हें। सर FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है। शट अप किरण कुमार, वो गाड़ी अर्जुन की ही है, लेकिन वो गाड़ी गुम हो गई थी, ऐसी कंप्लेन एक हफ्ता पहले लिखवाई गई थी, तुम्हें पता नहीं? सर मेरी बहन को उसी कार में उठा कर ले गए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। FIR लिखने के बाद एक्शन लेकर इंक्वायरी करना पुलिस की ड्यूटी नहीं है क्या सर? देखो ड्यूटी के बारे में तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, पहले तो मैं ये पता लगाऊंगा कि क्रिमिनल कौन है, उसके बाद उसे अरेस्ट करके घसीटते हुए यहाँ लेकर आऊंगा। आखिरकार आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, ये बात आपने प्रूव कर दी। बोलना बहुत ही आसान है मिस्टर, लेकिन अब अगर एक भी शब्द बोलोगे तो मैं तुम्हें सीधा अंदर डाल दूंगा। इन सब का कारण यह गैर जिम्मेदार ऑफिसर है, यू आर सस्पेंडेड। सॉरी मिस्टर अर्जुन, हमारे ऑफिसर से गलती हो गई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ सुनो विक्रम, अर्जुन के लिए जिसने कंप्लेन लिखवाई है उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ करो। ओके सर।
आई एम सॉरी मिस्टर अभिषेक, यहाँ का पूरा सिस्टम ही करप्ट है मिस्टर अभिषेक, और इस सिस्टम को करप्ट करने वाले हैं ये कुछ पॉलिटिशियंस और इनके जैसे कुछ ऑफिसर्स। इनके साथ काम करने से तो बेहतर है कि नौकरी ही छोड़ देना। आई एम सॉरी अभिषेक। सर, आपने अर्जुन को गिरफ्तार किया और दो घंटे के अंदर ही छोड़ दिया, ऐसा क्यों सर? एक मिनट, देखिए सच्चाई ये है कि अर्जुन की गाड़ी आज से एक हफ्ता पहले गुम हो गई थी। उन्होंने कंप्लेन भी लिखवाई थी, हमारे ऑफिसर ने ठीक से इंक्वायरी नहीं किया और इसीलिए उन्हें अरेस्ट करके उसने बहुत बड़ी गलती की। उस कार के बारे में अब तक आप लोगों को कोई भी क्लू मिला है क्या? देखिए पुलिस अभी उसके बारे में जांच कर रही है, जिसने भी कंप्लेन लिखवाई है उसका किडनैपर के साथ कोई संबंध है या नहीं, हम लोग उसके बारे में जांच कर रहे हैं। प्रसाद के बेटे अर्जुन के अरेस्ट केस में एक नया मोड़ आ गया है। जिसने कम्प्लेन किया है उस पे ही शक किया जा रहा है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सर सब कुछ ठीक हो गया है। जिस इंस्पेक्टर ने अर्जुन को अरेस्ट किया था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। उसे सस्पेंड करने से जो मान सम्मान गया है वो वापस आ जाएगा क्या? हा? सर वो बात यह है, एक होम मिनिस्टर के बेटे के ऊपर हाथ उठाने की इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? उस इंस्पेक्टर को कौन हूँ, मेरा पावर क्या है, उससे पता चल जाना चाहिए, समझे? तुम थोड़ा बाहर जाओगे? मॉर्निंग सर। मैंने अपने लोगों को अंदर भेजा है। उन सब के लिए सारी तैयारी करो। ओके सर। तुम्हारे लिए फोन है। बोलिए साहब, कैसे याद किया? बंटी, तेरे लिए एक शिकार है, वो जेल के अंदर ही है। क्या करना है साहब? शेर को एक बकरा मिल जाए तो वो क्या करेगा? समझ गया साहब, काम हो जाएगा। वही है। ए, अंदर चल, अंदर चल। बंटी, ये क्या हो रहा है तुझे? वो मुझे मार डालेगा सर। अरे क्या बक रहे हो, शेर को कौन मारेगा? शेर, शेर क्या लगा रखा सर, मैं उसके सामने डॉगी हूँ। डॉगी? डॉगी? उसका नाम सुनते ही गुंडे भी कांपने लग जाते हैं सर। उसी के डर से मैं यहाँ इस जेल में छुपा बैठा हूँ। वो बिहार का बंपर शेर है। वो पुलिस डिपार्टमेंट का रुस्तम है। रुस्तम, रुस्तम। हेलो चार्ली, चार्ली दुकान, राजगीर चौकी। चार्ली, चार्ली, चार्ली स्पीकिंग, राजगीर चौकी। अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक एम्बुलेंस में चरस गांजा और अफीम पास हो रहा है। आप अपनी चौकी पर उसे रोकिए और उस एम्बुलेंस को सीज कीजिए। ओके ओके। ए, जल्दी से रोड को ब्लॉक करो रे। Thank you.
एए, देखो सामने पुलिस है। पुलिस पुलिस कुछ नहीं भाई, तू चला 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 चला, उड़ा 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 बाद जब मैं बाहर आऊंगा देखता हूं तू फिर क्या कर लेगा। हाँ बोल। अरेस्ट? मुझे अरेस्ट बोले तो एनर्जी, एनकाउंटर बोले तो एनर्जी। वो अपने आप को क्या समझता है, अरेस्ट करना तो वो जानता ही नहीं है। जिसको जहां पकड़ता है वहीं ठोक देता है। जिसे भी वो मार रहा है वो या तो क्रिमिनल होता है या फिर वो गैर कानूनी धंधा करने वाला। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सबको मारते चले जाओ। हर रोज ह्यूमन राइट्स वाले इसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, हम क्या जवाब देंगे उन्हें? जो कुछ भी वो कर रहा है उससे गुंडों में डर तो आ रहा है ना। दिन ब दिन वो हीरो बनता जा रहा है, डिपार्टमेंट में सभी लोग उसे रुस्तम नाम से पुकारते हैं। सर अभिषेक साहब आए हैं, अंदर भेज दो। जय हिंद सर। कहिए सर, मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट? ऐसे एक के बाद एक एनकाउंटर करेंगे तो ह्यूमन राइट्स वाले कंप्लेंट ही करेंगे ना। पुलिस और गुंडों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। ऑफ कोर्स सर, हर गुंडा मुझसे डरता है लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। मैंने तो किसी पुलिस या मासूम का एनकाउंटर नहीं किया, सिर्फ गुंडों का किया है। जहां क्रिमिनल रहेगा वहां यह अभी रहता है और यही मेरा उसूल है। आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट। जय हिंद सर। सर ऐसे ही छोड़ दिया तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? इसीलिए उसे ऐसी जगह पे ट्रांसफर किया है जहां हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कहां सर? पटना सिटी।
हाय दोस्त, ये जगह कैसी लगी? चारों तरफ डेड एंड है, हर मुजरिम का रास्ता भी डेड एंड ही होता है। मैं वायलेंस पसंद नहीं करता, अपने आप सरेंडर कर लो तो अच्छा होगा। अरेस्ट करो सबको। इनको अरेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है सर, आप बस हाँ करिए, यही ठोक देंगे इन कमीनों को। नहीं यादव, हर क्राइम का जवाब एनकाउंटर नहीं होता है। सर ये लोग खतरनाक गुंडे हैं, इनके दिमाग में अच्छी बात नहीं घुसती है, घुसती है तो सिर्फ गोली घुसती है। नहीं यादव, मुजरिम चाहे जैसा भी हो, उसे एक मौका तो देना चाहिए सुधारने के लिए। ये बंदूक हमें कानून की हिफाजत करने के लिए दिए गए, उसे तोड़ने के लिए नहीं। जय हिंद साहब। जय हिंद। अरे चुलबुल, क्या हाल है भाई? बढ़िया साहब, इनसे मिलिए, नए ऑफिसर। माखी? क्या माखी? नहीं नहीं साहब, माखी नहीं, मक्खन पांडे। ओ मक्खी, मक्खी मेरा नाम, मारना मेरा काम, लेकिन मक्खियों को मत मारना यार। सर हाँ, जय हिंद सर। हे शिवू, तुम यहाँ कैसे? आप जहाँ रहोगे वहाँ मैं रहूंगा ना सर। हाँ बदमाश। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, ऊपर बुला रहे हैं। इतनी जल्दी ऊपर मत भेजो यार, और कुछ लोगों को ऊपर भेजना है। क्यों, सही सही कहा सर। मे आई कम इन सर? यस। जय हिंद सर। जय हिंद, बैठो। थैंक यू सर। तो आज रिपोर्ट कर रहा है क्या? यस सर। सो क्या बुलाना है आपको, अभिषेक भार्गव या फिर रुस्तम? मेरे लिए नाम मायने नहीं रखता, बुलाने वाले का प्यार मायने रखता है। प्यार? तुम प्यार जताते हो या फिर दिल में डर पैदा कर? क्या कहूं सर, आपका ये जो इलाका है ना, ये गांधीगिरी से ज्यादा गुंडागिरी से चलता है। इसके लिए सबका इनकाउंटर करते फिरोगे? अब तक 56 हो गया तुम। ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे भी ये पसंद नहीं है, लेकिन अब तक सेंचुरी हो चुकी है। सेंचुरी स्टार हो गया तुम। अगर आप चाहें तो इस नाम से भी बुला सकते हैं सर। देखो, तुम जो काम कर रहे हो वो सही है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। मेरा तो यही तरीका है। तरीके के साथ साथ नीति नियम भी जरूरी है। ये नीति नियम सब स्कूल के बच्चों के लिए है सर, गुनहगारों के लिए नहीं है। शुगर 1। 6 साल में ये तुम्हारा 9वां ट्रांसफर है। सबको प्रमोशन मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं, और मैं खुश होता हूँ ट्रांसफर से। लेकिन डिपार्टमेंट आपसे खुश नहीं है, जहां भी जाते हो वहां क्रिमिनल्स के हार्ट रेट बढ़ा देते हो। लेकिन क्राइम रेट तो कम हो रहा है ना सर। यहाँ थोड़ा कंट्रोल में रहिएगा ऑफिसर, मैं आपका हायर ऑफिसर हूँ, ये याद रखना। आप तो डीसीपी हैं, इसीलिए डिसेंट और साइलेंट हैं। तो तुम इनडिसेंट और वायलेंट हो, है ना? वो तो सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए सर, क्योंकि वो यही भाषा समझते हैं। ये मेरा ऑफिस है, आपका राज नहीं चलेगा, सिर्फ भारत का राज चलेगा। यू बेटर नो दैट यू आर वर्किंग अंडर मी। नो सर, वी बोथ आर वर्किंग अंडर लॉ। तू जरा भी नहीं बदला। बदलना भी नहीं चाहिए भरत, फ्रेंडशिप और काम दोनों अपनी अपनी जगह है। देखा ना, पहले तू मेरे साथ कैसा स्ट्रिक्ट था, लेकिन बाद में चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आ गई। मेरे दोस्त। चलो घर चलकर खाना खाते हैं। क्या कहा, घर? अरे बाप रे, आज फिर से लेट हो गया। अरे बाद में मिलता हूँ। अभी हाय। हाय। अंदर मम्मी की सिचुएशन क्या है? बिजली कड़क रही है और थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। मतलब मामला गर्म है क्या? गर्म नहीं होगी तो और क्या करेगी? आप तो आते ही निकल गए, लगेज भी अनपैक नहीं किया और अब तो कुछ खाया भी मतलब नहीं है। मतलब फुल स्ट्राइक हो गई है? सिर्फ स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक। क्या अब सर्जिकल? जल्दी से जाइए, उनसे सॉरी कहिए और हाथ पैर जोड़कर माफी मांग लीजिए। क्या
मैं उसके आगे हाथ पैर जोड़ूं? जस्ट वॉच, मुझे तो उतार दो। वहीं बैठी रहो। अच्छा, मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मेरी फोटो के साथ तुम क्या कर रही हो? तुमसे तो अच्छी तुम्हारी ये फोटो है, कम से कम प्यार से देख तो सकती हूँ। सिर्फ प्यार से देखोगी ही, प्यार करोगी नहीं क्या? मेरे पास मत आना, दूर हो जाओ। चेहरे पर इतनी नाराजगी क्यों है? अब तो मैं आ गया हूँ ना। क्या कहा था कि जल्दी लौट आऊंगा? कितना समय हो गया है? 4 बजने आए हैं, बीवी का ख्याल ही नहीं है तुम्हें। ओके, आई एम सॉरी, माफ कर दो। अब अंदर जाकर खाना खाते हैं, चलो। मुझे नहीं खाना, जाओ। कुछ और काम है तो वो भी पूरा करके आओ। सॉरी कह दिया ना, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो मेरा काम ही ऐसा है, थोड़ी ही तो देर हुई है। हाथ जोड़ू क्या, या कान पकड़ू, या फिर पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगू? अंजू, पैर पकड़कर माफी मांगो। व्हाट? पैर पकड़कर माफी मांगो? रियली? जल्दी पकड़ लो ना, नहीं तो मम्मी छोड़ेगी नहीं। अंजू, दरअसल पति अगर पत्नी के पैर पकड़ता है तो पत्नी के लिए नहीं, नहीं, पति के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सारी मूवीज में पतियों ने अपनी पत्नी के पैर पकड़े हैं, पता है? क्या कहा? ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो पैर पकड़वा रही हो? अभी बी सीरियस। ओके, सीरियस हो जाता हूँ। अब भी पैर पकड़वाओगी क्या? पैर पकड़कर माफी मांगो, जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा तब तक। ओके डार्लिंग, तुम्हारी खातिर, तुम्हें खुश करने के लिए, अभिषेक आईपीएस ऑफिसर तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगता है। आई एम सॉरी डार्लिंग, मुझे पता था तुम मुझे पैर नहीं छूने दोगी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात चल रही है। स्टॉप! आप लोग किसी ट्रिप का प्लान मत करना। फिर क्यों बेटा? देखो ना आंटी, ट्रिप का प्लान बना भी कौन रहा है, एक एसीपी और दूसरा डीसीपी। क्या प्लान बनाएंगे ये दोनों? हे वेट वेट, लेट मी गेस, वाघा बॉर्डर या फिर देहरादून आर्मी क्लब? तो यस एग्जैक्टली, कहीं भी चले जाओ ये पुलिस वाले पुलिस गिरी नहीं छोड़ते। बताओ मम्मी ने क्या कहा? मेरी मम्मी ना बहुत बोरिंग है, ऊटी जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, ऐसा कह रही हैं। चुप कर, और तुझे कहाँ जाना है? वो तो नहीं पता, लेकिन सब कुछ एडवेंचरस होना चाहिए, नहीं तो फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं। भारत अंकल, अभी अम्मू कब आएगी? अगर वो भी होती तो मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज देती। देख जिसका नाम लिया उसने फोन किया। हाय, कितना करेक्ट टाइम पे कॉल किया है तुमने। ऐसी क्या बात है? ये दुश्मनों को मार मार कर बोर हो गया था, अब अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलकर बहुत खुश है। देखो, हाय अमू। हाय। कैसी हो तुम? हाय हाय। कैसी चल रही है? सो बोरिंग। बॉयफ्रेंड कैसा है तेरा? अरे हम कुछ प्लान कर रहे हैं, वी आर मिसिंग यू सो मच। आप सबको एक साथ देख के मेरा भी आने का मन कर रहा है। जल्दी आ जाओ ना, हम फॉरेन ट्रिप बनाने का प्लान कर रहे हैं। साहब नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते। असलम पाशा इनका नाम है साहब, रिटायर्ड हेड कांस्टेबल है, ये आपसे ही मिलने आए हैं। कहिए क्या प्रॉब्लम है? मेरी पोती कल से घर नहीं लौटी है साहब। नाम क्या है बच्ची का? शहीदा है साहब। स्कूल में पता किया? हाँ साहब, वो बोल रहे हैं कल शाम को 4 बजे वहाँ से निकली थी। किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर? कहीं भी नहीं है साहब, वो बिना बताए कहीं भी नहीं जाती है साहब, घर में सब लोग परेशान है साहब। बच्ची की फोटो लाए हैं? हाँ साहब। किसी भी तरह मेरी पोती को ढूंढ करते हैं तो साहब। इस फोटो को सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। जी साहब। बस स्टैंड, मार्केट, रेलवे स्टेशन, सब जगह पर अलर्ट कर दो। ठीक है साहब। जाकर प्रिंसिपल को बुलाओ। ठीक है साहब। साहब आपसे मिलने आए। ठीक है, मिलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते सर। इस बच्ची को जानते हो? ये तो हमारी बच्ची है सर। कौन ड्रॉप करता है इसे? मिश्रा ड्रॉप करता है सर। ड्राइवर है? यस सर। बुलाइए उसे। यही है मिश्रा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हम बस को यहीं पे रोकते हैं, बच्ची यहां से जाती है, सामने उसका घर है सर। हाँ
ये लीजिए साहब, ले करो। थोड़ा रिवाइंड करो। ये लोग पूरा प्लान बनाकर आए थे। हाँ सर, नंबर प्लेट भी नहीं दिख रही है और चेहरा भी उन्होंने ढका हुआ है। बाएं हाथ से फेंक रहे। बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले सभी क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड है हमारे पास। सर, ये बाएं हाथ का इस्तेमाल करता है, देखने से लग रहा है कि ये पक्का सिद्दीकी होगा सर। सिद्दीकी? ये कहाँ मिलेगा? सर, हाईवे के पास एक ढाबा है सर, ये हमेशा वहीं पर मिलता है। रेडियो बंद कर रहे। साहब, मुझे लगता है आज वो नहीं आएगा साहब। थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है साहब। अबे बिना ठोके नहीं सुधरेगा वो। सर, उसके साथ दो लोग और आ रहे हैं बाइक पर। ए छुटुआ, तीन चाय ला रहे। ठीक है भैया, भैया के लिए तीन चाय। साहब, अटैक करें? नहीं, अलर्ट रहना, मेरे ऑर्डर्स के लिए वेट करो। बंटी भैया का फोन है। क्या बात है, पूछ। हाँ भैया। ए सिद्दीकी, कहाँ पर है? राधे श्याम ढाबे पे है भैया। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा भैया, आ सकते हैं? जल्दी पहुँच जाए। हाँ भैया, ठीक है भैया। भैया बॉल। ले छोड़ो बैग। बता, बच्ची किधर है? मेरे पास सवाल कम बुलेट ज्यादा है, बताएगा या ठोक दूं तुझे? हमारे काम तो सिर्फ बच्चों को किडनैप करना है साहब, और हमको कुछ नहीं मालूम साहब। कौन है वो? बंटी यादव साहब। बंटी यादव। भैया ये पैसा। तेरी मौत। पुलिस। पुलिस, जरा देख अपने चारों तरफ, डर के मारे पैंट गीली हो जाएगी तेरी। अबे ए! डर का डेफिनेशन हूं मैं, पैंट आगे से गीली होगी और पीछे से पीली होगी तुम सबकी। ए, काट कर फेंक दो कमीने को। Oh!
बच्चों के साथ धंधा करता है। बच्चों, अब तक तुम लोगों ने मेरा कैरेक्टर नहीं समझा। मुझे अरेस्ट बोले तो एलर्जी, एनकाउंटर बोले तो एनर्जी। अरे अभी स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता? स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे घटिया लोगों को जीने का कोई हक नहीं, इन्हें तो मार ही देना चाहिए। डोंट शूट, कूल। एक लड़की को ढूंढने आया था, मगर यहाँ देखो, अलग अलग राज्य से कितने छोटे छोटे बच्चों को उठाया है, इनका बिजनेस है। ऐसे लोगों को अगर मारूंगा ना तो बहुत परिवारों में शांति होगी। इन लोगों ने जब किया है, इसकी सजा कानून देगा, इसका फैसला कोर्ट करेगा। हर किसी को भगवत गीता का उपदेश समझ में नहीं आता, इन्हें समझ में आती है भगत सिंह की भाषा, बंदूक की भाषा। इसी वक्त फैसला हो जाना चाहिए। नो, हम लोग गलती करने वालों को सजा दिलाने वाले लोग हैं, ना कि खुद सजा देने वाले। इन्हें सजा दिलाकर कोई फायदा नहीं, इन कुत्तों को खुला छोड़ दिया तो ये आकर हमें ही काटेंगे। शे, उसी वक्त एनकाउंटर कर दिया होता तो अच्छा होता। 2 सेकंड का टाइम दो मुझे। ए, अभी। What the hell is this? I can't help it, sir. This is not the right way, Avi. Okay. आपके रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ। हे कुत्ते, ध्यान से सुन। आज के बाद कहीं भी दिखाई दिया तो वहीं पे ठोक दूंगा। चल। Hey, चल, चल। कमी ने कहीं कर भाई। मेरे को फोन लगा। बोलो सरकार। ये क्या हो रहा है विधायक जी? किसी ऑफिसर ने हमारे लड़कों को अरेस्ट किया है। फिकर मत करो सरकार, हम यहाँ कहाँ बैठे हैं? अरे हम छुड़वा लेंगे ना। सुंदर पांडे नाम है हमरा। दिखता है बहुत सुंदर है आप। यहाँ का एमएलए है हम तो। उन्हें जिनको तुमने अंदर किया है ना, वो हमारे बच्चे हैं, उनको छोड़ दो, हम कह रहे हैं। वो तो नामुमकिन है। चाहिए तो आपको अंदर डाल सकता हूँ मैं आपके बच्चों के साथ। हे डीसीपी, हमसे मत उलझ, ज्यादा अकड़ मत दिखा। 5 मिनट के अंदर अगर वो लोग बाहर नहीं आए ना तो तुमको बाहर करवा दूंगा। मैं यहां किसी से बात करने के लिए नहीं, अपना काम करने के लिए बैठा हूं। ना तो तेरा काम रहेगा और ना ही तू बात करने के लायक रहेगा। 2 तरह के डॉगी होते हैं, एक जो सिर भौंकते हैं और दूसरा जो काटते हैं। वो अलग बात है कि मुझे दोनों से डर नहीं लगता। किसको डॉगी बोल रहा है रे? यहीं पर काट के रख दूंगा, तेरी छोटी छोटी टुकड़े करके इस पूरे थाने में बिखेर दूंगा अगर तूने हमारी बात। करना नहीं आता इन्हें, मैंने कहा था ना, इन्हें खुला छोड़ेंगे तो ये हमें ही काटने आ जाएंगे। अब ये एमएलए क्यों है? चल अबे रुक जा, सुनो, तुम हमको नहीं जानते। बहुत मार करेगा, चल भागो। अबे अरे तू मार देगा, अरे पागल है। अरे ए कमीने, पुलिस को कमीना बोलता है। जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप इट। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हां हूं। इन पापियों को ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये और पाप करते ही जाएंगे। अबे अबे स्टॉप, रुक जा। अरे कहां भाग गए सबके सब? अंदर आओ। तुम एक पुलिस वाले होकर एक गुंडे जैसा बिहेव कर रहे हो। तुम्हें गालियां दे रहा है वो और तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो? किस मिट्टी के बने हो तुम? उसके लिए मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो तुम क्यों रिएक्ट कर रहे हो? गुस्सा आया तो तुम कुछ भी कर लोगे क्या? मैं यहाँ सीनियर ऑफिसर हूँ, ये ध्यान रखना। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला तू बाहर वाला? क्या कहा तूने? मैं बाहर वाला हूँ, हिंदुस्तानी हूँ मैं।
देखेगा हिंदुस्तानी क्या कर सकता है। विजय क्या कर रहे हो? सर पीछे, अरे चलो रे। मिस्टर अभिषेक भार्गव, यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट्स। आई एम सॉरी। हायर ऑफिसर के साथ तुमने मिसबिहेव किया है। यू आर सस्पेंडेड। हेलो। अरे हुजूर, अरे कहाँ भेज दिया आपने हमको? अरे वो ऑफिसर वो एकदम पागल है, एक एमएलए की भी नहीं सुनता है। और आप जानते हैं वो थाने में हमारा एनकाउंटर करने वाला था, बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं। इलेक्शन का टाइम है, सही टाइम देख के वार करेंगे हम। हाय अभी, आज गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, जल्दी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, देखते हैं कौन कितने पानी में है। आओ ना जल्दी, ये देखो। बेटा तुम वहां बैठो। आओ ना, वहां जाओ। जाकर खेलने के लिए कहा ना, समझ में नहीं आता तुम्हें? सोनू, सोनू अभी वॉट, क्या हो रहा है ये सब? क्यों बच्चे पर गुस्सा कर रहे हो? आज मेरा मूड बहुत खराब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या बात है, इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? अंजू, सब कुछ बताना जरूरी है क्या? मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। गेट आउट। जो हुआ सो हुआ, अब इतना सोचने की क्या जरूरत है? सिचुएशन की वजह से या फिर क्यों किया पता नहीं, अभी को बहुत हर्ट हुआ होगा। सब जानते हैं तुम दोनों अच्छे दोस्त हो और दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हो, बस दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है, इतना ही। सुबह फेस टू फेस बात करो तो सब ठीक हो जाएगा। यू आर राइट, कल सुबह ही उससे बात करता हूँ। सॉरी, बहुत गुस्सा कर दिया मैंने। कोई भी गुस्सा करे तो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और आज तो तुमने गुस्सा किया, बिना खाना खाए ही सो गई। आई नो। सुनो अंजू, कॉम्प्रोमाइज करके ड्यूटी करना मुझे पसंद नहीं, भारत भी मुझे नहीं समझ रहा। छोड़ो, जाने दो, उन्हें भी बहुत बुरा लगा होगा। मैं उस पर गुस्सा नहीं हूं अंजू, लेकिन उसका काम का तरीका मेरे काम के तरीके से बहुत अलग है, इसीलिए उन बच्चों को अगवा करके उनको बेचने वाले उन दरिंदों को वहीं पर एनकाउंटर करके मारना चाहता था, और वो कोर्ट लॉ जैसी फिलॉसफी समझा रहा था। उस किडनैपर को छुड़ाने के लिए एक थर्ड क्लास एमएलए आया था, हम पुलिस ऑफिसर्स को चुनौती दे रहा था, और हम सब चुपचाप ये सब सुन ले? नो, आई कांट टॉलरेट दिस। क्रिमिनल्स को इस तरह खुला छोड़ देने के बाद उसकी जान को ही खतरा है। बट अभी पूरे डिपार्टमेंट में अकेले तुम ही तो नहीं हो ना, तो सारी टेंशन तुम क्यों लेते हो? हम सब लोग अगर इसी तरह सोचने लगे तो इस सोसाइटी को, सिस्टम को कौन बचाएगा? आई अंडरस्टैंड। एक काम करते हैं, लेट्स गो समवेयर, लेट्स टेक अ ब्रेक। या मदद करो।
आ रहे थे। मारा मार। वो? भैया, भाभी। कॉफी? थैंक्स। क्या भैया, इतना डल क्यों लग रहे हो? आखिर बात क्या है? भाभी के साथ झगड़ा हुआ था, तो उससे बात करने उसके घर गए थे, पर घर पर कोई नहीं है, ताला लगा है, फिर यहाँ आकर बैठ गए। ओफो, बस इतनी सी बात है? आप बिल्कुल टेंशन मत लो भैया, मैं हूँ ना ड्रामा क्वीन। इस बहन की इमोशन को देख के अभी भैया पिघल जाएंगे, साथ में सोनू भी रहेगी ना, तो हम दोनों इस ड्रामा को और भी मजेदार कर देंगे, उसके बाद हम सब मिलके खूब एंजॉय करेंगे। तू आईएएस बनने के बदले स्टोरी राइटर बन जा, फेमस हो जाएगी। स्टोरी सुन के एक बात याद आई, वो जब मैं यहाँ आ रही थी ना भैया, क्यों क्या हुआ? काफी वहाँ सिग्नल के पास कुछ गरीब बच्चे फुटपाथ पे बैठ के भीख मांग रहे थे भैया। बच्चों को लेकर बिजनेस करना हमारे देश में ये बहुत ही कॉमन बात है। बात वो नहीं है भैया, कुछ बच्चों की एक आंख पे पट्टी बंधी हुई थी भैया, सिर्फ एक ही आंख पर। क्यों? पर वो देखने से बीमार नहीं लग रहे थे, यहाँ तक कि वो भिखारी भी नहीं लग रहे थे। वेरी सैड, उन बच्चों के साथ कुछ तो गलत हो रहा है भैया। मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं आता हूँ। भैया सर, यादव वो मिसिंग के जितने केसेस हैं सबके फाइल्स लेकर आओ। सारे फाइल्स हैं? जी सर। वो एमएलए है ना, वो एक किडनैपिंग केस के लिए इतनी धमकी और दबाव क्यों डाल रहा है? आपको लगता है कुछ गड़बड़ है? पता करना पड़ेगा। एक काम करो, बंटी यादव को इंटरोगेशन रूम में लेकर आओ। सिर्फ एक बार पूछूंगा, सच सच बताना, इन बच्चों को किडनैप करके तुम लोग इनके साथ क्या करते हो? बस पैसों के लिए बच्चों को किडनैप करते हैं। साहब, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको अपने तरीके में समझाएं क्या? नहीं, मैं कानून नहीं तोड़ता, इसीलिए ये सच नहीं बोल रहा है। इसे मालूम है मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, और अभिषेक को भी सस्पेंड कर दिया है। अच्छा यादव। हाँ सर। यहाँ आसपास अच्छा लोकेशन कौन सा है एनकाउंटर करने के लिए? सर घाट के पास। मैं अभिषेक को फोन करता हूँ। हाँ सर। सर, हाँ अभिषेक। सर, हाँ सुन सर, ये बंटी यादव ना। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ, मैं बताता हूँ सर। कैमरा ऑन, बोल। वो हम पहले बच्चों को किडनैप करके हमारे अड्डे पर ले आते थे, सेहतमंद बच्चों को गांव के स्कूल और मैदान से किडनैप कर लेते थे, बच्चों के आंख, किडनी और हार्ट निकाल के गोवा भेज देते थे, उधर से इजराइल, ब्राजील, यूएसए, तुर्की, चाइना और मैक्सिको में सारे ऑर्गन एक्सपोर्ट होते थे। उसके बाद बच्चों को अलग अलग शहरों से भीख मांगने के लिए भेजा जाता था। इंसान क्या जानवर कहलाने के भी लायक नहीं होता, सब कुछ बताओ, सबका नाम जानना है मुझे। यहाँ का धंधा कर्नाटका के होम मिनिस्टर का भाई रुद्र प्रसाद संभालते हैं, मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज। चल। हाय, कहिए मिस्टर भरत। हाय शुभकर। बहुत दिनों के बाद कॉल किया है तुमने, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, कहो कैसे याद किया? डू यू नो एनीथिंग अबाउट कर्नाटका'स होम मिनिस्टर? दुर्गा प्रसाद क्या? उनके बारे में क्या जानना है तुम्हें? हेलो भरत। हाँ शुभकर, कुछ पता चला क्या? तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही था, उस दुर्गा प्रसाद के इन्फ्लुएंस में उसका छोटा बेटा आदि उस बड़े मंजा और जगन के साथ मिलकर ड्रग्स और वेपन्स का धंधा चला रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल में उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं सारे प्रूफ्स तुमको मेल कर रहा हूँ। ग्रेट यार, थैंक यू भाई। हे, इट्स ओके। अपने पास एक कॉपी रख लो फॉर सेफ्टी। तुम्हें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे जरूर कॉल करना। थैंक्स, बाय, थैंक यू। Thank you.
जय हिंद सर। जय हिंद। नीरज तुम और शर्मा अभी गोवा के लिए निकलो। मुझे अभी भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ टीबी ग्लोबल हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रेडिंग का धंधा चल रहा है। ठीक है सर। तुम लोग वहाँ मफ्ती में जाओ और वहाँ स्टिंग ऑपरेशन करो। मुझे हॉस्पिटल का लाइव फीड देखना है। इमरजेंसी है नीरज। ठीक है सर। अब क्या करना है सर? कैमरा ऑन हो गया है, अंदर जाओ। क्या आप देख सकते हैं? नीरज सर सुनो, थोड़ा अंदर जा सकते हो? बहुत लोग हैं सर यहाँ। ट्राई करो। ओके सर। सभी निकली है सर। ओके, तुम लोग सारा फुटेज लेकर ऑफिस पहुंच जाओ। उस तरफ जाओ। जी सर। इसे भिजवा दे वहां। क्या डीसीपी, आप आओगे ऐसी उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी जल्दी? मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जवान लड़के लड़कियों को तो छोड़ो, इन छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हो तुम लोग। हमारे देश का भविष्य ये बच्चे हैं कहते रहते हैं हम लोग, और ऐसे बच्चों को लेकर तुम लोग बिजनेस कर रहे हो। कानून तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। मतलब मुझे अरेस्ट करोगे क्या? और क्या करूं? मेरे पास तुम्हारे बारे में, तुम्हारे इलीगल ऑर्गन ट्रेडिंग के बारे में गूगल से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है मेरे पास। आई हैव इनफ एविडेंस टू अरेस्ट यू। अरेस्ट करोगे? जिस एविडेंस के बारे में तू इतना उछल रहा था, उसे जिसने दिया था उस आईएएस ऑफिसर शुभकर देशपांडे का क्या हुआ पता है तुझे? Hey, तुम लोगों ने शुभकर को तो मार दिया, लेकिन उसने जो एविडेंस कलेक्ट किया है वो अभी भी जिंदा है। यादव, अरेस्ट करो इन कमीनों को। हाथ ऊपर, देखता क्या है? सॉरी सर, आपके हर बुलेट के बदले हमें 10 लाख मिला है। ऑफर अच्छा था, मना नहीं कर पाया। सी मिस्टर भरतराज, आप ऑनेस्ट ऑफिसर, ये मुझे पता है। मेरे मांगने पे भी एविडेंस नहीं दोगे ये भी मुझे पता था, लेकिन हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस होती है, तुम्हारी भी है। यू वॉन्ट टू सी? ये देखो। रुचु, are you okay? मुझे कुछ भी नहीं होगा भरत। मैंने तुम्हारी ड्यूटी को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की। इन सब के बारे में मत सोचो। नो रुचु, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने छोड़ूंगा नहीं। कैसे घटिया लोग, एक औरत को शिकार बनाकर खेल खेल रहे हो। हिम्मत है तो मुझे फेस करो। यू लव योर फैमिली, तो एविडेंस मुझे दे दो। And take your family? भारत, इन पर ध्यान मत दो, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, तुम पीछे मत हटना। I'm sorry. I'll miss you. No, Raju. Hmm.
कवि हमेशा कहता है तुम लोगों को अहिंसा से नहीं हिंसा से हैंडल करना चाहिए। Mr. Bharatraj and two sub-inspectors are killed in shootout happened between policemen and gangsters. जब प्रॉब्लम आता है तो दो चॉइसेस होते हैं, एक होता है गिव अप, दूसरा नेवर गिव अप। तुम्हें हमेशा फाइट करना होगा अन्याय के खिलाफ। तुम इंसाफ के साथ रहोगी तो कभी नहीं हारोगी। सही कहा भैया, मैं आप ही की बहन हूँ। जिंदगी में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं उसका हिम्मत से सामना करूंगी। अमू, 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 ये क्या कर रही हो? भैया, ये लो, पानी पियो, पी लो, ये लो। अमू, ये तुम क्या करने जा रही थी? हम सब लोग मर गए हैं क्या? खुदकुशी अगर समस्या का समाधान होता तो इस दुनिया में कोई नहीं बचता। तुम्हारा भाई होने के बावजूद उसने तुम्हें बेटी की तरह पाला है। तुम खुदकुशी करोगी तो क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? बोलो अमू, बोलो। भरत तुम्हारा भाई था लेकिन मेरी जान था वो। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इस बात का दुख मुझे भी है। भरत और रचना की मौत के पीछे जो भी है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रहे, एक भाई का ये अपनी बहन से वादा है। सॉरी भैया, सॉरी, आई एम सॉरी। गैंग वॉर में भरत मारा गया, इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। बचपन में मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मैं अनाथ आश्रम में था। भरत के पिता ने ही मेरा हाथ थामा, मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और आईपीएस करवा के मुझे पुलिस ऑफिसर बनाया। हमारा काम करने का तरीका भले ही अलग था पर मकसद एक ही था। रेड के लिए चार लोग गए थे ना? जी सर। भरत और दो ऑफिसर मर गए, सिर्फ तुम ही बच गए। तुम तो बहुत लकी हो। सब ऊपर वाले की दया साहब। ऊपर वाले की दया तो तुम पे कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए बीवी के नाम पे 50 लाख का फ्लैट खरीदा है। क्या बात कर रहे हैं साहब? नहीं साहब, ये सब यादव, मुझे सब पता है। इसमें कौन कौन मिला है मैं सब जानता हूँ।
तुझ जैसे लोगों की वजह से डिपार्टमेंट बदनाम होता है, लोगों का पुलिस से विश्वास उठ जाता है। तुझे तो मैं चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। दो ऑप्शन देता हूँ तुझे। फर्स्ट ऑप्शन, मैं मारूंगा तो एनकाउंटर होगा और तेरी मौत के बाद तेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा। चुप। सेकेंड ऑप्शन, तू अगर अपने आप को मार ले तो ड्यूटी करते हुए शहीद हुआ है बोलकर तेरा नाम होगा, तुझे सम्मान मिलेगा और तेरे परिवार को इज्जत की रोटी। सोच ले, चॉइस इज योर्स। अगर गलती से भी रिवॉल्वर मेरी ओर उठी तो उंगली उठने से पहले ही तेरी सांस रुक जाएगी। एसीपी भरतराज ने सुसाइड नहीं किया, उसे प्लान करके मारा गया है। या आई नो। पुलिस वालों से पंगा लोगे तो क्या नतीजा होगा ये सबको दिखाना पड़ेगा। सर अगर आप परमिशन दें तो मैं दुर्गा प्रसाद की इलीगल एक्टिविटीज के बारे में प्रूफ्स और एविडेंस इकट्ठा करूंगा। विल गो अंडर कवर बट आई नीड स्पेशल टीम फॉर दैट। गो अहेड अभिषेक, बट बी केयरफुल। होम मिनिस्टर से बात करके मुझसे जितना होगा मैं करूंगा। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सर वो अभिषेक वो अंडर कवर ऑफिसर, ये हमें भी पता है। तू किस बात का कमिश्नर है? अब सरकार की खाकी वर्दी पहन के कैप बैच स्टार लगा के सिर्फ बैठ गया है डैडी। सॉरी सर, उसके आने का असली मकसद वही था सर। जब हमने पता लगा लिया उसके बाद बताने का क्या फायदा? उस शुभकर ने कुछ एविडेंस और प्रूफ छुपा के रखा था क्या? वो अभिषेक को मिला है ऐसा मैंने सुना है। पता नहीं सर, अभिषेक इज अ वेरी डेंजरस पर्सन। वो एनकाउंटर भी सिग्नेचर करने के जैसा करता है सर। उसकी तारीफ करने के लिए आए हो क्या यहाँ पे? हाँ ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन वो आपको टारगेट करके आया है सर। उस अभिषेक को यहाँ भेजा है होम सेक्रेटरी रघुनंदन ने सर। रघुनंदन? हेलो। नेताओं के साथ आगे पीछे घूम घूम कर आजकल तुम भी नेतागिरी करने लगे हो क्या? मेरे राज्य में आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मेरी बात समझ रहे हो ना? इस दुर्गा प्रसाद के पीछे पुलिस वालों को लगाया क्या? हाँ अभिषेक को बोलो कि वो इस केस को वापस ले ले। मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है अच्छे से जानते हो तुम। मेरी बात सुनो, मेरे रिटायरमेंट में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। तुम्हें जो करना है वो कर लो, पर एक बात याद रखे, अभिषेक साइलेंट ऑफिसर नहीं है, वायलेंट ऑफिसर है। तुम्हारी धमकियों से वो डरने वाला नहीं है। इस समय वो आदि कहाँ है? उसे एक बार कॉल करो। सर उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है सर। फिर से एक बार कोशिश करो। ठीक है सर। सर रिंग हो रही है। हेलो। सर वहां देखिए। आदि सर फिर से उसी नंबर से फोन आ रहा है। कौन है बेतू? हाँ किसने मारा मेरे बेटे को? ए, मैं तुझे यहाँ किडनैप करके क्यों लाया यही सोच रही है ना? ए पागल, तूने मुझे किडनैप नहीं किया, मैंने तुझसे अपना किडनैप करवाया। मैं और मेरे भैया मिलके एक छोटा सा चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं। इस बात का तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना? तो जरा पीछे मुड़ के देख ले। अरे
तुझे कौन बचाएगा ये सोच मासूमों पे हमला करने वाले दरिंदे, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फैमिली में तुझे जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, अगर वो मर जाए तो कैसा महसूस होता है अब तुझे पता चलेगा दुर्गा प्रसाद। तुमसे मेरा क्या लेना देना है, है? बिहार डीसीपी भरतराज, मैं वही डीसीपी भरतराज की बहन हूँ। ज्यादा उड़ मत। भूल गई है क्या, तेरे भाई को कैसे मारा था मैंने? मैं कुछ भी नहीं भूली, उसी बात को तुझे याद दिलाने के लिए तेरे बेटे की लाश मेरे सामने पड़ी है। मेरे भैया अभिषेक भार्गव तेरे लिए यमराज बन के आए हैं। तेरी पलक झपकने से पहले ही तुझे यमलोक पहुंचाने के लिए तेरे सामने होंगे। अरे जेल में बैठकर पार्टी करते हो, चल बे, चल मेरे साथ। हेलो मिस्टर अभिषेक, उस दिन तो अकेले ही बोल रहे थे, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। दुख रहा है क्या? हंस ले, जितना हंसना है हंस ले, मरने से पहले हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मेरी मौत आसानी से नहीं होगी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे फ्रेंड भरतराज की वजह से तेरे सारे इल्लीगल धंधे बंद हो गए, तेरा मंत्री पद भी छिन गया। कानून ने मुझे सिर्फ मंत्री पद से हटाया है, मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है उसने। तुझे 4 दिन का टाइम दिया था ना खुद ब खुद सरेंडर करने के लिए। एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुझे अब फिनिशिंग टच की जरूरत है और वो मैं दूंगा। तू देगा या मैं दूंगा, देखे क्या? भैया, भैया, अभी ये सब क्या है? ये सब लोग बैड बॉयज है ना? बच्चों को वायलेंस नहीं देखना चाहिए। मैं 5 मिनट बाहर वेट करूंगी, 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगी, जल्दी आ जाना। मार दो इन्हें। तुम में से किसी ने भी मर्दानगी दिखाकर मेरी फैमिली को छूने की कोशिश भी की तो उसके बाद ना तुम रहोगे और ना ही तुम्हारी मर्दानगी रहेगी। तू मेरे कब्जे में है, इसीलिए मुझसे अपने जान की भीख मांग। सुन रे, जंगल का राजा कौन है जरा मेरी आंखों में देख। शेर, बब्बर शेर, जंगल में भी वो शेर रहता है और पिंजरे में भी। Thank you.
दुर्गा प्रसाद, कैसा लगा फाइनल टच? बस फिनिशिंग ही बाकी है, वो भी कर दूंगा। किसी की जान लेने से पहले तुम्हारे अंदर जान लेने की ताकत है या नहीं, ये तो चेक करना पड़ेगा। ना तो तुम माफी मांग सकते हो, ना माफी मांगने के लायक हो। तुम्हारा बुढ़ापा देखने के बावजूद तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। अपने किए की सजा तो तुम भुगतोगे। अभिषेक, नो कॉम्प्रोमाइज, फैसला ऑन द स्पॉट। अमो, मेरी बात सुनो।